ये देखिए क्या किया ये लोग, इसमें जैसे कि कल बताए थे कि 7 अंडा था इसमें, तो 5 ही बचा है, एक तो यहाँ गिरा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल सबका, इंशाल्लाह सबका सब कुछ ठीक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह फिट पार्ट होगा सब कुछ। तो बज रहा अभी दोपहर का 2 और इस वक्त हम छत पे उठे अभी, तो कबूतर को खोल के सोचे थे कि आज बाहर लेके जाएंगे, बट सीन वैसा भी नहीं है, काफ़ी गर्मी है, बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है। तो ये लोग को हम अभी यहीं पर ही दाना पानी दे दे रहे हैं। और एक चीज़, ये जो बजी है बदरी का, हम लोग कहते हैं बदरी का बोलते उसको, ये अपना अंडा फेस्ट कर रहा है, ये देखिए वो दिख रहा होगा, एक अंडा है ऐसा, वो फेस्ट हो गया वो अंडा, पता नहीं बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्मी काफ़ी गिर रहा है, फिर कभी ठंड हो रहा है, फिर कभी गर्मी हो रहा है, तो इस वजह से वो लोग भी अपना अंडा फेंक देते हैं। और ये लोग को अभी हम प्रॉपरली दाना नहीं दिए हैं, तो इन लोग को दाना देते हैं। ये दाना दे दिए हैं, ये पौधा पूरा मुरझा चुका था, सुबह को पानी देना भूल जाते हैं, तो उसको आगे फटाफट पानी दिए और ये लोग अभी खा ले। और ये लोग का बच्चा लोग का क्या हाल है, देखिए, हाँ ये ठीक है, और ये तो मारती है बहुत, हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो प्लान था ये कि आज इसको ऊपर लेके जाएंगे, बट अभी फिर से वैसे ही उसका हाल हो गया है, तो अभी ले जाना सही नहीं रहेगा, इसको भी यहीं रखते हैं अभी, इसको वो साफ़ सफाई करके थोड़ा देरी के लिए से 10 मिनट से 15 मिनट के लिए बाहर रख देंगे, वही इस पोजिशन में रखेंगे कि ये वो लोग थोड़ा सा धूप सनलाइट ले ले, बहुत दिन से अंदर पड़ा हुआ है, मौसम अभी चेंज हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है चेंजेस। और ये जो घर है, ये घर अब ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है, तो कुछ सोच नहीं रहे इसके बारे में, बहुत डर लग रहा है इसमें डालने, जैसे डाले और इसमें रखे थे, शिफ्ट किए थे मुर्गा मुर्गियों को, बीमार पड़ना शुरू हो गया बहुत, मतलब एक बड़ा पेयर था वो गया, 2 बच्चा, वो मीडियम, बहुत मतलब 1 महीना था मेरे पास, 1 महीना में काफ़ी ग्रोथ लिया था, वो भी चला गया, और एक बच्चा छोटा सा चूजा था वो भी चला गया। तो उसमें अभी कुछ नहीं डाल रहे, और ना ही हम अभी बजी को डालेंगे उसमें, जो है अभी इसी में रखेंगे, इसी में, मतलब बेसिकली मेरा जो प्लान है, मेल पट्ठा और फीमेल, वो 3 सेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ तक ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो बनाएंगे इसको, और फिर वहाँ से एक तो साफ सुथरा जगह जो आराम से खोल दिए तो वो खा लिया वो लोग, और ये सेक्शन में थोड़ा सा इतना, मतलब समझ में 4 फीट का हाइट लेके वहाँ पर पहुँच करना चाहते हैं, कि वहाँ पर आपका जैसे मुर्गा मुर्गी के लिए, और बजी को हम तो अल्टीमेटली वहीं पर शिफ्ट करने वाले, तो बजी का कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा बड़ा केस नहीं, इसे कहीं भी ले जा सके रख सकते हैं, और इसको सोच रहे इमरजेंसी बॉक्स बना दें, ये जो है ना इसको इमरजेंसी बॉक्स बनाने का हमारे सोच रहे हैं, क्योंकि अचानक से अगर कोई परिंदा बीमार पड़ गया तो उसको हम अलग से रख सकते हैं। तो ये 4 खंड है, ये बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ये लोग को भी पानी वानी पिला के इसको साफ सफाई करके फिर अपने मिलते हैं। अभी एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये बजी अंडे क्यों फेंक रहे हैं, ये देखिए इसमें से कोई है तो उसका जवाब दे प्लीज़, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, शायद गर्माहट की वजह से फेंक रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये पूरा साफ सफाई हो गया अभी, ये पूरा ब्रीडिंग बॉक्स का भी साफ सफाई कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो
वो बतख को भी बाहर निकाल के रख दी और सब कुछ सही है। वो मुर्गा को भी लाए थे ऊपर में शिफ्ट किए थे, ऊपर में ला के रखे थे गुजरे के लिए। फिर उसका भी साफ़ सफाई कर दी उसका घर का पूरा। ये देखिए वो पूरा ठीक है, थोड़ा अभी गर्म लग रहा था तो पानी देंगे उसको, चावल दे देंगे, खा लेगा वो लोग, सब कुछ सही है। वो थोड़ा सा गंदगी है उसको साफ़ कर देना होगा। इसको भी पौधा को पूरा पानी डाल दिए। तो बस आज इतने ही में फिर से रखते हैं। काफ़ी हम बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। इंटरेस्टिंग रहेगा जो इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है मेरे साथ तो हम उसी में ही ऐड कर दे रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है ये सब करते वक्त, ये सब दिखाना भी, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में, कोई ना कोई तो होगा ही जिसको जानवर से लगाव होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखते हैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।